शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्रिय आत्मन, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की बाबा की प्यारी ज्ञान मुरली का मंथन प्रस्तुत है। हम सब ने जीवन में अनेक भूले की हैं, बल्कि जन्म जन्मांतर अनेक भूले की हैं, बहुत गलतियां की हैं, अनेक मिस्टेक्स की होंगी, अनेक उल्टे कर्म पाप कर्म किए हुए हैं, जाने में अनजाने में, जिनका फल हमें दुख के रूप में मिलता है, अशांति के रूप में मिलता है, शोक के रूप में मिलता है, गम के रूप में मिलता है। शिव बाबा ने हमें बताया है कि ये जो पाप है इनका आत्मा पर बोझ हो जाता है तो आत्मा उड़ नहीं सकती। तो पापों के बोझ से हल्का होने के लिए सबसे जरूरी है कि हम प्रकृति से परे, जो परम पिता परमात्मा है, पांच तत्वों से परे, हम उनसे अपना बुद्धि का कनेक्शन जोड़ें, जो पावर हाउस है, उस पावर हाउस से, लाइट हाउस से, ओशन ऑफ पावर से कनेक्शन जोड़ के हम अपने बोझ को हल्का कर सकते हैं। दूसरा, बाबा ने कहा, यदि कोई पूरी ईमानदारी से, सच्चे दिल से अपनी कर्म कहानी, जो इस जन्म की है, जो हम जानते हैं, वो परम पिता परमात्मा के सामने लिख कर अथवा सच्चे दिल से सुना देता है, परमात्मा को कन्फेशन कर लेता है, सच्चे दिल से पश्चाताप कर लेता है, सच्चे दिल से, कि मेरे से अनजाने में कई भूलें हुई, कुछ जानबूझकर हुई, कुछ अनजाने में हुई। तो बाबा कहते हैं उस आत्मा का बोझ हल्का हो जाता है। इसके साथ साथ अपने साथ ही ये प्रतिज्ञा भी करनी है कि आज के बाद किसी भी पाप कर्म में हमें फिर प्रवृत्त नहीं होना है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। ऐसा न हो कि गंगा स्नान भी करते रहें और पाप भी करते रहें, क्योंकि हम गंगा स्नान करते इसलिए हैं कि हमारे पाप कर्म समाप्त हो जाएं और फिर आकर हम फिर पाप करने लग जाते हैं। तो हम ऐसा ज्ञान स्नान करें, योग स्नान करें, कि हम पवित्र बनते जाएं और हमारे पाप कर्मों पर लगाम लग जाए। तो ज्ञान की गंगा में हमें रोज ये स्पिरिचुअल बात लेते रहना है। सारी मानवता को किसने दुखी किया है? आज हर इंसान, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई जन से दुखी, कोई ना कोई दुख हर इंसान, हर आत्मा को है। दुखी किसने किया है? दुखी किया है हमारी विकृतियों ने, मेंटल परवर्शंस ने, विकारों ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस, भय आदि जो भी विकार हैं, हम सब इनमें फंसे पड़े, हम इनके गुलाम बन गए। इसीलिए गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। लेकिन जब वो पाप हरने के लिए आता है तो हम उसका साथ नहीं देते,
हमने विकारों से दोस्ती कर ली है। सारे धर्म ग्रंथ इसी चीज पर बल दे रहे हैं कि हे आत्मा, अपने को निर्मल, शुद्ध, पवित्र बना, निर्विकार बन, विकारों पर विजय प्राप्त कर, विकारों से मुक्त हो। इन सभी विकारों का बीज है देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। हमें स्त्री पुरुष के भान से, पांच तत्वों का जो बना शरीर है इसके भान से ऊपर उठना होगा। दुनिया में अनेकानेक आत्माएं काम क्रोध आदि की बीज बोते रहते। बाबा कहते हैं इस वक्त भी मेजोरिटी आत्माएं जो हैं काम क्रोध आदि के बीज बोती रहती। अब बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि हे बच्चे, योग बल से पावन बनो। योग एक ऐसी शक्ति है जिससे आत्मा पवित्र बन जाती, निर्विकार बन जाती, क्योंकि योग की शक्ति के द्वारा ही विकारों पर विजय संभव है, और योग की अग्नि के द्वारा ही हम विकर्मों का विनाश कर सकते हैं। ईश्वरी शक्ति से ही जो मायावी शक्ति है उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं हंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने, चलो प्रभु के।